अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहज़िस्किचन। आज मैं आपको सोयाबीन के पकोड़ों की रेसिपी बताऊंगी। ये रमज़ान की स्पेशल डिश है और ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोयाबीन को हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। सोयाबीन को हमने 10 मिनट पहले भिगो दिया था, फिर उसके बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको उबाला था। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। साथ ही चने की दाल को भी हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। दाल हमने तकरीबन 1 कप ली है। दाल को हमने 10 मिनट पहले भिगो लिया था, फिर उसके बाद हमने 3 मिनट उबाला था। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। हमने दाल को ज़्यादा बारीक नहीं किया, हल्का सा दरदरा किया है। इसके बाद हम मिक्सर में 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे। 1/8 कप हमने साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और 9 से 10 हमने लहसुन के जवे लिए हैं। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और सभी चीजों को हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी तमाम चीज को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। हमने ज्यादा बारीक नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा पीसा है। सबसे पहले सोयाबीन में हम चने की दाल ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड की थी। और साथ ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने बनाया था, हरी मिर्च, जीरा, साबुत धनिया और लहसुन के साथ। 2 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमारा इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। 1/8 कप हमने डाला है इसमें राइस फ्लोर। सभी तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम 1-1 करके पकोड़े तलना शुरू करते हैं। पकोड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए। माशाल्लाह से कलर बहुत ही अच्छा आया है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।